क्यों पड़े और यहाँ पर उनके पुण्य कदम यहाँ पर पड़े, हम सब निहाल हैं, हम सब अभिभूत हैं, वो दर्शाने के लिए जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर हाथ करके मध्य प्रदेश वाले ऐसे स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, पूरा यहां से लेके वहां तक एक भी हाथ खाली ना रहे, सभी ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम है उसके तहत, और जिस तरह से वो हाथ हिलाकर वहां पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको उनका अभिवादन के प्रत्युत्तर दे रहे हैं उनके अभिवादनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के दौरे के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री करीब करीब 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अब से बस कुछ ही देर में करने वाले हैं। तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। लोगों में गजब का उत्साह, जिस तरह से हाथ ऊपर उठाकर हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनकी तरफ हाथ हिलाकर विक्ट्री साइन वी बनाकर प्रधानमंत्री भी संकेत दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्वालियर से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। ग्वालियर से ही वो मध्य प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अगर इनमें से कुछ परियोजनाओं की बात हम करें तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये करीब करीब 11,895 करोड़ रुपए की लागत से है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही 1,880 करोड़ रुपए से भी अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। और एक और खास बात है कि इसी अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने हुए 2,20,000 से भी अधिक घरों का गृह प्रवेश प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। और 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY शहरी, ग्रामीण तो है ही लेकिन साथ में शहरी भी है, उसके तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसी के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं, और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोगों में बेहद उत्साह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर और प्रधानमंत्री का अभिवादन करके लोग बहुत उत्साहित हैं। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं प्रधानमंत्री के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बार बार लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर देते हुए, प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी में सवार हैं, जहां से कि वो सभी को देख पा रहे हैं, और सभी लोग उपस्थित जनसमुदाय, जो भारी भीड़ है इस रोड शो में, वो भी प्रधानमंत्री को देख पा रही है और उनका अभिवादन कर पा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास निश्चित तौर पर एक बड़ा तोहफा कहा जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ और प्रोग्राम जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है,
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से जुड़ा हुआ है और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश का दौरा, प्रधानमंत्री कल तेलंगाना के दौरे पर थे और आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तो राजस्थान का दौरा वो पूरा कर चुके हैं, वहाँ पर करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके शुभारंभ कर चुके हैं और चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से उन्होंने इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और उसके बाद राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं ग्वालियर, जहां पर कि उनके रोड शो में लोगों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है और उसी की झलक आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से लोग हाथ ऊपर उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाते हैं, उनसे उनका अभिवादन अपने हाथ को उठाकर करने की कोशिश करते हैं और ये वो स्थली है जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है और जहां से वो परियोजनाओं को का शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले खुली कार में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के अभिवादन को स्वीकार, देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो बैनर पोस्टर लेकर के आए हैं और इस समय प्रधानमंत्री प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये देखिए जो परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं का हम जिक्र कर रहे थे, जिन परियोजनाओं का शुभारंभ होना है, उन्हीं से जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी है, उसका ये मॉडल है, उन परियोजनाओं का मॉडल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। यही वो परियोजना है जिसका प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी में इन परियोजनाओं के मॉडल को देख रहे हैं। ये परियोजना जो है वो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजना लग रही है जिसका प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। 11,895 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है। तो प्रधानमंत्री परियोजनाओं से जुड़े मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए समझते हुए कि किस तरह से ये परियोजना आगे चलकर बनेगी और फिर इस परियोजना से का मॉडल क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, उन बारीकियों को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं और अवलोकन कर रहे हैं। आप अगर इस मॉडल को देखें तो इतना तो ज़रूर लगता है कि पर्यावरण और हरियाली का ख़ास तौर पर इसमें, तो प्रधानमंत्री इसी का उद्घाटन, प्रधानमंत्री दिल्ली की तरफ से इसका जो उद्घाटन है वो कर चुके हैं और अब मध्य प्रदेश से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आप परियोजनाओं के मॉडल को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह से हरियाली, पर्यावरण का कितना ख्याल रखा गया है। ये खास तौर पर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की जहां तक बात है तो ये बहुत ही उपयोगी परियोजना, 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी परियोजना के प्रारूप का प्रदर्शन हो रहा है और प्रधानमंत्री इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उन बारीकियों को समझते हुए कि किस तरह से इस परियोजना को पूरा किया गया है, इसमें किन किन विशेष बातों का ख्याल रखा गया है, तो इन परियोजनाओं को देखकर प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे किस तरह से खास है और किस तरह से इसमें तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। इस परियोजना में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बेहद ख़ास परियोजना कही जा सकती है,
क्योंकि इससे जो कनेक्टिविटी है वो तो मिलेगी ही, लेकिन कनेक्टिविटी के साथ जिन इलाकों से ये एक्सप्रेसवे गुज़र रही है उन इलाकों के विकास में यह एक्सप्रेसवे एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इस लिहाज से आप देखें तो ये जो दिल्ली से वडोदरा का सफ़र है ये अब सिर्फ 10 घंटे में तय हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसकी रफ़्तार को देखें तो रेल की रफ़्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से इस सड़क मार्ग से लोग आवागमन कर पाएंगे। तो ये जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है इसकी खासियत यही है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के का फेज़ टू आप इसे कह सकते हैं। इसी का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली से वडोदरा तक का जो सफ़र है वो सिर्फ 10 घंटे में पूरा किया जा सकता है इस एक्सप्रेसवे पर, और यही एक्सप्रेसवे आगे बढ़कर मुंबई तक जाएगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सड़क यात्रा जो दिल्ली और वडोदरा के बीच है अब सिर्फ 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। और अब आप सीधे इस कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री पहुंच गए वहां देख सकते हैं। अभिनंदन करें, उत्साह का अनुपम दृश्य, भावपूर्ण दृश्य, पूरी जनता अभिभूत है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से। लोक हृदय में पूजे जाने वाले प्रतिष्ठित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंच पर, स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इसी भूमि के पुत्र माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तथा मंचासीन सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, सम्माननीयों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। डबल इंजन की सरकार की सौगात, मध्य प्रदेश में कर रही है विकास की बरसात। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि कृपया मध्य प्रदेश की प्रफुल्लित जनता की ओर से अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का गुलदस्ते से, फूलों से, और महान संगीतज्ञ तानसेन की मूर्ति से, सैंडस्टोन जो कि दूर दूर में मशहूर है ग्वालियर का, महान संगीतज्ञ तानसेन की मूर्ति यहाँ की हवाओं में आज भी उनके सुरों की महक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पेंटिंग भेंट करें जिसे यहाँ के स्थानीय कलाकार कन्हैया लाल ने बनाया है, जिसमें ग्वालियर के अनेक रंग बसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत में नेतृत्व के सूर्य से मध्य प्रदेश भी विकास के प्रकाश से जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रगति पथ पर मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जा रहे हैं। और अब स्वागत संबोधन के लिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय सम्राट, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर में मैं आपका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे भी अपील करता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का।
अभिनंदन कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का। आपका इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत। इस अवसर पर हमारे बीच विराजे हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे लोकप्रिय नेता, आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, भाई गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथी सहयोगी मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए 19,000 करोड़ की सौगातें लेके। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों को हम प्रणाम करते हैं। गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करते हैं और गांधी जी के सपनों को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनने स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के मंत्र को मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन उस समय शास्त्री जी को यह कहना पड़ा था अन्य के संकट के कारण कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-04 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था, आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। और मुझे कहते हुए गर्व है, किसान भाइयों, गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। 22 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं का निर्यात किया है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट, आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि बुंदेलखंड को पानी देने के लिए कैन और बेतवा परियोजना मंजूर हो गई है, 44,000 करोड़ रुपए की
एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ गरीब कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निशुल्क राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गरीबों को देने का काम करते हैं। आज 2 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई और बहन गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, 38 लाख मकान दिए ग्रामीण क्षेत्र में हम, उनमें से 35,34,000 हमने बना दिए, गृह प्रवेश करा दिया। बोलो, इतने मकान कभी कांग्रेस के राज में बनते थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, बनते थे क्या? गांव में भी मकान, शहर में भी मकान, और जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। और आज जो हम यहां बैठे हैं जिंदा, ये प्रधानमंत्री थे। कोविड के समय जब सारा संसार संकट में था, भारत ने चमत्कार किया वैक्सीन बनाने का, और आपको पता है 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगा भी दिए। आज अगर हम जिंदा और स्वस्थ हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हम जिंदा है। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, मुझे कहते हो खुशी और गर्व है, 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बनाए तो मध्य प्रदेश से बनाए, और 32 लाख गरीबों को इलाज करवा के दे दिया। गरीबों की जान बची, बच्चों की पढ़ाई हो लिखाई हो। मैं कहना चाहता हूं केवल 2 मिनट में, ये कांग्रेस जब थी, मित्रों आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास के मकान भेजे थे नरेंद्र मोदी जी ने, कमलनाथ ने वापिस कर दिए, स्टेट का शेयर ना देना पड़े और गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज जल जीवन मिशन की कई योजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं, मुझे खुशी है कहते हुए, मेरी लाडली बहनों, हैंडपंप से पानी भरना बंद होगा। जल जीवन मिशन बनाया भारत सरकार ने, कमलनाथ ने शुरू ही नहीं किया जब उनकी सरकार थी। हमने 65 लाख घरों में नलों से पीने का पानी पहुंचा दिया, और आने वाले 1.5 साल में कोई घर टोंटी वाले नल के बिना नहीं रहेगा, हर घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोंटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। ताली जरा जोर से हो जाए। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, कमलनाथ ने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या बिगड़ता था कमलनाथ, अगर 6,000 रुपए गरीब किसानों को मिल जाते तो? मुझे कहते हुए गर्व है कि बाद में हमने सूची भेजी और सबको लाभ मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और विकास की जो सौगातें प्रधानमंत्री जी ने दी, भारत सरकार ने दी, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आज दिल से और जोर से बताना, मध्य प्रदेश में काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जोर से, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विकास की दौड़ में हम काफी आगे आए हैं, अब पिछड़े नहीं है, बीमारू नहीं है, विकसित राज्य है, और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, विकास और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों भाइयों की, लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और अब वो शुभ घड़ी जब ग्वालियर की पवित्र माटी मध्य प्रदेश का नया सुनहरा इतिहास गढ़ने जा रही है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया मध्य प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण युग परिवर्तक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ तथा लोकार्पण करें। बहुत बहुत बधाई। Thank you.
हजार करोड़ की योजनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन युग परिवर्तक सौगातों के लिए। माननीय दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के रास्ते मध्य प्रदेश के 3 जिले पड़ेंगे, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। इन तीनों जगहों पर माननीय आज स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ के सभी लोग हमसे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो अब आइए देखते हैं सबसे पहले सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की परियोजनाओं पर एक छोटी सी फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में गत 9 से 10 सालों में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इस दिशा में काम हुआ है। मध्य प्रदेश भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इस निर्माण यात्रा का साक्षी और भागीदार बना है। वर्तमान में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंदौर हैदराबाद उज्जैन गरोठ और आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिनका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। जब यहाँ कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। आज लगभग 14,900 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ग्वालियर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली आधुनिक 8 लेन और 245 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, झाबुआ, धार, इंदौर एवं अन्य जिलों में होने वाली प्रमुख फसलों जैसे लहसुन, प्याज, टमाटर, गेहूं, सोयाबीन एवं संतरा को दिल्ली, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा के बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राघवगढ़ से हरदा एवं बांका घाट का 4 लेन कार्य, जीरापुर पचो रोड अष्टा बाईपास एवं खिलचीपुर बाईपास का 2 लेन कार्य एवं इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, मध्य प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी, कृषि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार वाला मध्य प्रदेश ऐसे ही तेज गति से लगातार विकास के नित नए अध्याय लिखने के लिए कृत संकल्प है। और ग्वालियर वासी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई कैसे पहुंचेंगे? ग्वालियर निवासी शिवपुरी होते हुए फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होते हुए कोटा पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई तक जा सकेंगे। ट्रक्स जो ये दूरी 25 घंटे में पूरी करते थे, अब 24 दिसंबर से ये दूरी 16 घंटे में पूरी कर सकेंगे। यानी औद्योगिक विकास और व्यापार के खुलेंगे नए नए द्वार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आईआईटी इंदौर के अकादमिक भवन का लोकार्पण तथा अन्य भवनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी फिल्म। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते और बदलते भारत की शिक्षा व्यवस्था भी नई ऊंचाई को छू रही है। पिछले 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हाथ थामे आईआईटी इंदौर प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार कर रहा है। ये युवा संस्थान NEP 2020 के अनुरूप इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम और प्रोग्राम पर जोर देकर देश भर के प्रतिभाशाली यंग माइंड्स को प्रशिक्षित कर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार कर रहा है। आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। 1238 करोड़ रुपए की लागत से बना ये कैंपस
लगभग 501 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। संस्थान कैच द रेन जल शक्ति अभियान के अनुरूप प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखता है। यहाँ की अकेडमिक बिल्डिंग्स जिन्हें पॉड्स कहा जाता है वो लगभग 44,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए हैं। कैंपस में छात्रों को मेकर स्पेस लैब और टिंकरर्स लैब के अलावा कई सुविधाएं मिल रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक परिसर का मानवता की सेवा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कर रहे हैं उद्घाटन। साथ ही संस्थान के तीसरे चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पीएम अजय योजना के तहत स्टूडेंट्स हॉस्टल का कर रहे हैं शिलान्यास। देशवासियों, आज जन जन में हर्ष है क्योंकि ये विकास का उत्कर्ष है। आज 221,000 ग्रामीण आवासों में गृह प्रवेशम का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे मकान में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधा युक्त पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सतत प्रयासरत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 47,55,000 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 42,29,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 38,01,000 स्वीकृत आवासों में से 35,34,000 आवासों का कार्य पूर्ण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9,54,000 स्वीकृत आवासों में से 6,95,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपना एक सपना था कि मेरा एक खुद का मकान हो, वो आज मोदी जी ने पक्का मकान दिया। हमको आवास लिए मोदी जी और शिवराज सिंह जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना से जरूरतमंद गरीब परिवारों को आवास मिल रहे हैं। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। आज गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में भव्य गृह प्रवेशम कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को। इस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति के पहिए विकास की पटरी पर सरपट दौड़ेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया ग्वालियर से सुमावली के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। 411 करोड़ की लागत वाली ये रेलगाड़ी 38 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ग्वालियर जंक्शन से बिरला नगर, रायरू, बामोरगांव, अम्बिकेश्वर और सुमावली माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा झंडी दिखाई जा रही है। और ये रेलगाड़ी, जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के झंडी दिखाने के बाद और ये रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर चली। बहुत बहुत बधाई। इस क्षेत्र, खासकर ग्वालियर और मुरैना जिले के लोग इसमें बहुत कम पैसे में यात्रा कर सकेंगे। ये गाड़ी 3 समय चलेगी, सुबह, दोपहर और शाम। इसमें कामगार, विद्यार्थी तथा ठेला रेड़ी लगाने वालों को बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है और ज़रूरत की सुविधाएं हैं। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, छाया की व्यवस्था है और 3 बड़े पुल, 21 छोटे पुल, 5 सबवे तथा 1 रोड ओवरब्रिज है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। उन्नति के द्वार पर अब बंधनवार सज गए हैं। भारतवासियों, आज विश्व मानचित्र में भारत की साख और धाक से दुनिया अचंभित है।
हमारे पूर्वजों के सपने को सच कर दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी का ओजमय सानिध्य मध्य प्रदेश को विकास का भव्य प्रदेश बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र विनती करते हैं कि हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवारजनों, ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिए। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी हैं। ग्वालियर ने भाजपा की नीति और नेतृत्व को भी आकार दिया है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राष्ट्र के लिए खपा दिया, उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। मेरे परिवारजनों, हम जैसे करोड़ों भारतीयों को देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विकसित बनाने, भारत को समृद्ध बनाने का दायित्व हम सब पे कंधों पर है। आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने, फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूं। अब यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले
कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे परिवारजनों, दशहरे, धनतेरस और दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार, उसके लिए निर्माण होने वाले हैं, नए अवसर बनने वाले हैं। आज आईआईटी इंदौर में भी बहुत काम नए शुरू हुए हैं। आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और शाहजहांपुर को नए स्वास्थ्य केंद्र भी मिले हैं। ये केंद्र आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बने। इनमें गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। मैं इन सभी के लिए आप सबको, मध्य प्रदेश के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये जो इतने सारे काम है, ये डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। एमपी टॉप 3 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एमपी का स्थान टॉप 3 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े गर्व के साथ 3 तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये काम कौन कर सकता 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 है? ये गारंटी कौन दे सकता है? ये गारंटी कौन दे सकता है? आपका जवाब गलत है। ये गारंटी
एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट, आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पर ले जा सकता है जी। डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। मेरे परिवारजनों, एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है न विकास का रोडमैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत, अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गौरवगान कर रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है, लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है, लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। मेरे परिवारजनों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है। अभी तक इसके तहत देश में 4 करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। यहां एमपी में भी
अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिए जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकार्पण किया गया है। जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी। ये लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते थे। देश भर में ऐसे लाखों लाभार्थी थे जिन्होंने कभी उन घरों में पैर तक नहीं रखा, लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी खुशी गृह प्रवेश हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर हर लाभार्थी बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है, अपने सपनों के अनुरूप, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना घर बना रहा है। हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सीधे पैसे भेज देती है, कोई चोरी नहीं होती है, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं और उसका घर बनना हो आगे बढ़ जाता है। पहले घर के नाम सिर्फ चार दीवारें खड़ी होती थी, आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉयलेट, बिजली, नल से जल, उज्ज्वला की गैस, सब कुछ एक साथ मिलता है। आज यहां ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए अहम जल परियोजनाओं का भी काम शुरू हुआ है। ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी। साथियों, इन घरों की लक्ष्मी यानी मेरी माताएं बहने घर की मालिक हो, ये भी मोदी ने सुनिश्चित किया है। आपको पता है ना कि पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है। पीएम आवास योजना के घरों से करोड़ों बहनें लखपति हुई है, जिनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्टर हुए हैं। आज भी जो घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर है। और भाइयों बहनों, मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की है। मैं एक गारंटी आप बहनों से भी चाहता हूं, मैं जरा बहनों से पूछना चाहता हूं, मैंने तो मेरी गारंटी पूरी की, आप एक गारंटी देगी? आप मुझे गारंटी देगी? पक्का देगी? तो मुझे गारंटी चाहिए घर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कोई ना कोई कौशल सिखाना है, करोगे? आपकी इस गारंटी मुझे काम करने की ताकत देती है। मेरे परिवारजनों, नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। हमने देखा है कि पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया, लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी। और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन चुका है। मैं इस सभा में और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा अपनी ये विकास की गाथा में हमारी मातृशक्ति की भागीदारी और ज्यादा बढ़े और प्रगति का रास्ता खुले, उसी दिशा में हमने आगे जाना है। भाइयों बहनों,